top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. जो विकास पिछले 5 वर्षों समाजवादी पार्टी की सरकार ने नोएडा के लिए किया है, जो काम नोएडा में किया और इस नोएडा को देश का सबसे पहला स्मार्ट सिटी और जो स्मार्ट सिटी की जो सुविधाएं हैं वो उत्तर प्रदेश की सरकार देने का काम करेगी और सबसे विकसित और स्मार्ट सिटी की बात लोग जो परिकल्पना की लोगों ने वो तो केवल बात करते रह गए, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो सब सुविधाएं जो एक अच्छे स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए वो नोएडा में देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है और उन्हीं मुद्दों को लेकर और विकास जो किया है पिछले 5 वर्षों में और अब किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप के बगैर ये 5 साल से अखिलेश यादव जी की सरकार चली है और इस प्रदेश को देश का सबसे विकसित प्रदेश उत्तर अखिलेश यादव जी की सरकार अगर बनने जा रही है उसमें सबसे विकसित राज्य उत्तर प्रदेश बने इस सोच को लेकर उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार जिस तरह से लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है और समाजवादी पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जहाँ इनर डेमोक्रेसी है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, ये अधिकार है यहाँ समाजवादी पार्टी में, लेकिन अंतिम निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को है और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के हम कार्यकर्ता के होने के नाते हमारा काम है कि जो हमारे नेतृत्व जिसको यहाँ कैंडिडेट बनाए हम उसके लिए काम करें। भाई हमारे कहीं कोई ऐसे कुछ नहीं है, जब परिवार होता है बर्तन होते हैं कटकते हैं, लेकिन देखो परिवार है, समाजवादी पार्टी एक परिवार है और यहाँ इनर डेमोक्रेसी है। मैंने कहा कि इनर डेमोक्रेसी जो समाजवादी पार्टी में है वो किसी दल में नहीं है, मैं कह सकता हूँ और लेके मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि क्या टिप किसके बारे में। मैं तो कहता हूँ जो समाजवादी पार्टी ने जिसको कैंडिडेट बनाया सुरेंद्र नागर और हम सब मिलके पूरा संगठन और यहाँ के लोग उसको विजय बनाए। अब फाइट तो अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा सांसद जी, कांग्रेस अब प्रदेश में लोकप्रियता आप देख लीजिए, जो लोकप्रियता के अगर हिसाब से देखो आप तो जो भी सर्वेज हुए हैं उस सर्वे में उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो अखिलेश यादव में और देश में जो फास्टेस्ट ताकतें सर उठा रही हैं और उसको रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है।